आतंकी हमले के बाद फ्रांस अलर्ट पर है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूएनजीए में प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में आतंकियों को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई रोकने के फैसले पर करीब 75 से अधिक देशों ने भारत का समर्थन किया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करीब 3 करोड़ खुराक को लेकर करार किया है। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की बेल को लेकर आज सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता दर्ज की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वह कोलकाता में मतुआ समुदाय पार्टी कार्यकर्ता के घर खाने के बाद तय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आईपीएल में मुंबई की टीम फाइनल्स में पहुंच गई है। अब वह 5वें खिताब से महज 1 कदम की दूरी पर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने एक्शन से पहचान बनाने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने अपनी नई फिल्म गणपत का मोशन पोस्टर इंटरनेट पर शेयर किया है। पोस्टर को सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया जा रहा है। विद्युत जामवाल अपनी रील लाइफ और रियल लाइफ के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह जंगल में सांप पकड़ते नजर आ रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।